जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। जहां हमने डिसकंटिन्यू किया था वहीं से कंटिन्यू करें। देखो क्या है, अब अगले का पार्ट जो नाम है उसका मॉडल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, इंटेंजिबल एसेट। मॉडल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मॉडल क्या है, दो मॉडल है बेटा, कॉस्ट मॉडल है और रिवोल्यूशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल है और रिवोल्यूशन मॉडल है, ये दोनों मॉडल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसको प्रिफर नहीं करता था रिवोल्यूशन मॉडल को, बट अभी फिलहाल के लिए दो मॉडल है जिसे हम बोलते हैं इन डेज 38 के हिसाब से, कॉस्ट मॉडल एंड रिवोल्यूशन मॉडल। इन दोनों का जो डिस्कशन है बेटा वो कहाँ होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। कहाँ, जब हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ाएंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसको यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट बात आती क्या, नेक्स्ट टॉपिक है अमोर्टाइजेशन पॉलिसी। भाई अमोर्टाइज कैसे करेंगे, तो अमोर्टाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो अमोर्टाइजेशन में पॉलिसी के अंदर दो चीज होता है। एक होता है जिसकी लाइफ फिक्स होती है, डिफाइंड लाइफ होती है, मतलब इन क्या बोलते हैं, फाइनाइट लाइफ है ना, लिमिटेड लाइफ। तो यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिखेंगे, पहला इंटेंजिबल एसेट विथ क्या बेटा, फाइनाइट लाइफ मतलब क्या, लिमिटेड लाइफ। फाइनाइट लाइफ मतलब क्या, लिमिटेड। फाइनाइट लाइफ कौन सा लाइफ, फाइनाइट लाइफ कौन सा, यूजफुल लाइफ। फाइनाइट यूजफुल लाइफ, ये फाइनाइट है। अच्छा तो फाइनाइट है तो भाई टेंशन नहीं है, फाइनाइट है तो टेंशन नहीं, इनफाइनाइट होता तो पता नहीं चलता, उसको कॉस्ट में हम रिकॉर्ड कर लेते। तो देखो फाइनाइट है यूजफुल लाइफ, तब और दूसरा भी लिख देते, क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट विथ क्या, इनडेफिनेट लाइफ। इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। अच्छा फाइनाइट लाइफ में बात करें, फाइनाइट लाइफ की बात करें हैं तो इसमें ना दो चीज हो गए, पहला रेशियो वाला बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे, हम SLM की बात करेंगे। तो पहले वाले में बात करेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ किसका, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा यहां पे देखो क्या है बेटा, एक्विज इनटेंजिबल एसेट विथ फाइनाइट यूजफुल लाइफ, उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट। अमोर्टाइजेशन की बात करें अगर ये है तो हम क्या करेंगे इसको, और अगर दूसरा रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसमें ना पहला तो हो गया, इसमें अगर ऐसा चाहिए तो ऐसा मैं बनाया, इसमें यहाँ पे वन लिख दे तो जिससे समझ में आपको, पहला फर्स्ट है। और इसमें क्या आएगा बेटा, SLM, WDV और क्या सकता है ना, SLM, W जो भी मेथड है, ओवर एट्स, ओवर एट्स क्या बेटा, यूजफुल लाइफ। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यहां पे क्या होता है, तो यहां वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलो बता देता हूं आपको। यहां पे बेटा अमोर्टाइजेशन जो है ना, नो अमोर्टाइजेशन, यहां पे अमोर्टाइज नहीं होगा एक तरीके से देखा जाए, यहां पे अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग बता दिया मैंने आपको, मैं इसको बता, करेक्ट। तो यहां पे बात और यह दो बात, अब इसकी बात, ये एक मेथड हो गया SLM WDV ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और दूसरा क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट, पहला। अब इसी में दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें दूसरा क्या आएगा, यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है। तो देखो यूजफुल लाइफ है ना और एक्सपेक्टेड बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है, यूजफुल लाइफ और एक्सपेक्टेड बेनिफिट है ना, शैल बी रिवाइज्ड एट एंड ऑफ एवरी ईयर है ना, ईच ईयर। यूजफुल लाइफ जो इसमें हम दिखा रहे ना, रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट, तो फाइनाइट यूजफुल लाइफ है, तो उसको हम क्या करेंगे, यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट शैल बी रिवाइज्ड एट the end of each year। ये आपको ध्यान में रखना है, हर साल
रिवाइज इसको करेंगे. एनी चेंजेस शैल ऑल्सो बी क्या करेंगे, शैल बी कंसीडर्ड इन एस्टिमेट. एनी चेंजेस होगा, लिख दू क्या, चलो लिख देते. एनी चेंजेस शैल कंसीडर इन एस्टिमेट. शैल कंसीडर इन एस्टिमेट, जो एस्टिमेट्स करेंगे ना उसमें कंसीडर ये किया जाएगा. तो पहला इंटेंजिबल एसेट फाइनाइट यूजफुल लाइफ हुआ, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेशियो, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट देखेंगे. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है यूजफुल लाइफ है वो क्या करेंगे, शैल बी रिवाइज्ड एट एंड ऑफ द एवरी ईयर. एंड ऑफ एवरी ईयर क्या करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे और जो भी चेंजेस होगा हम उसको हम कंसिडर कहाँ करेंगे, एस्टिमेटेड में. ठीक है, इतना समझा. और थर्ड इसमें क्या पॉइंट आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी समझ के लिए. ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे थर्ड में लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा. थर्ड वाला जो बात करता है, तो थर्ड वाला बोलता है सालवेज वैल्यू की. ये सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहा था, यूजफुल लाइफ की. तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट या यूजफुल लाइफ इसमें हो गया. थर्ड वाला बात करता है किसकी, सालवेज वैल्यू की. तीसरा पॉइंट ये बोलता है, तो इसमें बोलते हैं सालवेज वैल्यू ऑलवेज क्यों इंटेंजिबल एसेट है, उसका क्या भंगार वैल्यू, क्या बोले, नाम खराब तो सब कुछ खराब है ना. तो इंटेंजिबल है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या कुछ भी हुआ, क्या होगा, ऑलवेज क्या मानते हैं इसको, ऑलवेज क्या करते बेटा, अज्यूम्ड क्या करते, जेड ई आर ओ बेटा, इसको ऑलवेज अज्यूम क्या करते, जीरो. बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन है बेटा, इसमें ध्यान रखना. एक्सेप्शन यह आता है कि जब कभी भी डिस्पोजल ऑफ एसेट होगा ना, डिस्पोज करते हैं हम कोई केसेस में, मान लो कि हम एक्टिव जो करते हैं ना, एक्टिव मार्केट, हम एक्टिव मार्केट में कोई भी डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट करते हैं ना, तो जो कॉस्ट होता है वो कंसीडर हो किया जाता है लास्ट में, तो उसे हम बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू, वो इसमें कंसीडर होगा. मतलब क्या कि एक्टिव मार्केट में जो आपका क्या हुआ, डिस्पोजल एक्टिव मार्केट फॉर डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेप्शन आएगा, जीरो नहीं माना जाएगा, जो उसका वैल्यू होगा वो उसका यूजफुल लाइफ मान लिया जाएगा. ठीक, तो इसमें तीन पॉइंट मैंने बताया. पहला क्या बताया बेटा, रेशियो, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट पर रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट, यूजफुल लाइफ उसकी क्या बोली जाती है, हर साल एक्सपेक्टेड बेनिफिट यूजफुल लाइफ जो होती है वो क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे एट द ईच ऑफ एंड ईयर, है ना, और जो भी चेंजेस होगा उसको हम कंसीडर कहाँ करेंगे, एस्टिमेशन में. एंड थर्ड मैंने बताया सालवेज वैल्यू ऑलवेज जीरो अज्यूम करते हैं, बट एक केस ऐसा है जो एक अजम्पशन है जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, एक्टिव मार्केट केस में फॉर डिस्पोजल हुआ, एक्टिव मार्केट फॉर डिस्पोजल किया, तो वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट का जो है वैल्यू है, जो सालवेज वैल्यू है वो वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. एंड फोर्थ इसी पॉइंट में आता है, चौथा पॉइंट एक और है जिसको आप याद रख सकते हैं, वी विल कैरी इंपायरमेंट टेस्ट जो करते हैं ना, इंपायरमेंट एसेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36. तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट का हम क्या करेंगे, इंपायरमेंट करेंगे टेस्ट फॉर दीज इंटेंजिबल एसेट. देखो क्या करेंगे, वी विल कैरी इंपायरमेंट का टेस्ट करेंगे ना, फॉर दीज एसेट, जो कौन सा इंटेंजिबल एसेट है, फॉर दीज इंटेंजिबल एसेट, फॉर दीज इंटेंजिबल एसेट, आई ए मतलब इंटेंजिबल एसेट. ठीक है बेटा, इंटेंजिबल एसेट only if there is an indication, ये बहुत बड़ी पॉइंट आ गई. कब चेक करेंगे इंपायरमेंट टेस्ट बेटा, only if there is indication carrying cost, है ना, याद है कुछ intangible ऐसा impairment cost पढ़ाते टाइम पे कंडीशन था कुछ, है ना, इंडिकेशन होता है. तो इंडिकेशन अगर हुआ, मैंने इंटेंजिबल इंपायरमेंट लॉस के ऊपर भी वीडियो डाला है, इंपायरमेंट एसेट के ऊपर
क्या नाम है उसका, इंडेस 36 मिल जाएगा आपको, भाई अजय मिश्रा करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, ओनली इफ अगर इंडिकेशन दिया गया है तो ही हम क्या करेंगे, उसका इंपायरमेंट टेस्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा, ओके। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो और नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। उसके पहले हम इसको बात कर लेते हैं, ये तो है ही, जो SLM मेथड वो सब लगाते हैं वो तो है ही, रिकॉर्ड करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। यहीं पे लिख देते हैं, जगह है इंटेंजिबल एसेट विथ इनडिफाइनाइट, जिसकी लाइफ फिक्स नहीं, इनडिफाइनाइट है, लिमिटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, वहां पर क्या कर सकते, नो अमोर्टाइजेशन, यहां पे अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, नो अमोर्टाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू क्या है बेटा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्या, लिमिटेड लाइफ, यहां पे लिमिटेड लाइफ अब्सेंस है, इसके लिए अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, पहला। दूसरा यहां पे क्या हो सकता है, कैरीड एट कॉस्ट ओनली, देख रहे हैं सबको बेटा, देख रहे हैं ना, हाँ, ये कॉस्ट पे हम कैरिड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती कि इसको कैरिड ओनली कॉस्ट के बाद आता है इसमें टेस्टेड एनुअली, इसको क्या करेंगे, टेस्टेड एनुअली कौन सा, एम्पायरमेंट का टेस्ट करेंगे ना, एम्पायरमेंट टेस्ट एनुअली। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, इसको एनुअली जो लिखा मैंने, यहां पे हर साल चेक करना पड़ेगा, भले इसका इंडिकेशन हो या ना हो, बट यहां पे जो फाइनाइट लैप है इसका अगर इंडिकेशन दिया है तो ही टेस्ट करेंगे बेटा, यहां पे इंडिकेशन दिया हो या ना दिया हो चेक करेंगे। समझ में आया इतना, तो दोनों में इतना ये फर्क था, ये भी रिकॉर्ड कर लेना, यहां पे इंडिकेशन के साथ टेस्ट होगा, यहां पे विदाउट इंडिकेशन हर साल टेस्ट होगा, कैरीड एट कॉस्ट ओनली एंड नो अमोर्टाइजेशन यहां पे होगा, कहां पे, इंटेंजिबल एसेट विद इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ। कॉपी डाउन फास्ट, वीडियो पॉज करो, कॉपी डाउन करो, ठीक है, आप लोग बेटा फोटो खींच लो, आप लोग हो गया ठीक, चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो मैंने पांच पार्ट इसका डिस्कस कर लिया, अब मैं जा रहा हूं सिक्स एंड सेवन पार्ट पे। सिक्स और सेवन एकदम छोटा छोटा है, डिस्क्लोजर क्या करेंगे और डी रिकग्निशन करेंगे, अगर बैलेंस शीट से निकालेंगे उसको तो क्या होगा, तो दोनों पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। चलो बैक टू बैक चिपक के आ जाइए, तुम लोग कितना आलसी हो गए रे, जल्दी करो, हाँ घर पे कर लेना बेटा, ठीक, हाँ तू घर पे कर लेना, गधा है एकदम से। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कौन सा पार्ट आ जाता है हमारा, सिक्स पार्ट हम किसकी बात करेंगे, डी रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डी रिकग्नाइज करते हैं, डी रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल असेट, ठीक, डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इसमें देखो दो बच्चे होंगे, या तो उसको डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल है ना, या तो उसको डिस्पोज करेंगे या तो उसको रिटायर करेंगे। अच्छा, रिटायर करेंगे तो इसकी जो बात आती है बेटा, ये इंड एस किसकी बात है, इंड एस 105 की बात करता है, सर 50 इंडेस इसके अंदर है, अभी क्या करेंगे बेटा, 105 इसकी बात करता है ना, तो डिस्पोज और क्या बेटा, रिटायर्ड, इनके बीच में कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको, दोनों को कंबाइन कर लो, डिस्पोजल और रिटायर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डी रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डिस्पोज और रिटायर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होता है वहीं पे उसका डी रिकग्निशन हो जाएगा, एंड जो भी क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है ना, कुछ नया तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आया, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे एट ए टाइम ऑफ डिस्पोजल है ना, डी रिकग्निशन जब करते हैं, एट ए टाइम ऑफ एट
द टाइम ऑफ डिस्पोजल। समझ में ठीक। तो ये कहानी खत्म। नहीं दिख रहा है लाइन, नहीं दिख रहा है ठीक। नेक्स्ट बात आती है सिक्स के बाद में, सेवन। सेवन बात करता लास्ट। बेटा इतना सब आपने मेहनत किया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अब दिखाओगे क्या? मतलब क्या डिस्क्लोजर क्या करोगे? तो डिस्क्लोजर करना अनिवार्य है, तो लिख दो डिस्क्लोजर क्या देंगे हम। तो बेटा सीधी सी बात है, एक होता है जनरल डिस्क्लोजर, ठीक। अब जनरल डिस्क्लोजर के अंदर क्या आएगा देख लो, तुम्हारी लोग देख लो जनरल डिस्क्लोजर के अंदर क्या आ सकता है। सबसे पहले ये बताएंगे कि वो असेट जो है इंटेंजिबल असेट, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है, फाइनाइट है या इनडेफिनाइट है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, फाइनाइट और दूसरा क्या इनडेफिनाइट लाइफ बताना पड़ेगा। कौन सी लाइफ के बारे में बताना है, फाइनाइट है या इनडेफिनेट लाइफ है। अच्छा अगर वो इनडेफिनेट लाइफ है तो आपको याद है इनडेफिनेट की तरफ कहने एनुअली उसको टेस्टिंग किया जाएगा क्या एम्पायरमेंट में, है ना। इफ इफ इनडेफिनेट लाइफ देन क्या करेंगे बेटा, हर साल उसको क्या करेंगे एनुअल एम्पायरमेंट, क्या करेंगे एनुअल एम्पायरमेंट टेस्ट करेंगे, टेस्ट इफेक्ट ये देखेंगे। फिर डिस्क्लोज क्या करेंगे, इसके अलावा फाइनाइट था इनडिफाइनाइट रहा तो लाइफ उसके दोनों का लाइफ दिखाना है, फिर इनडिफाइनाइट रहा तो क्या करेंगे एनुअल हर साल क्या होगा एम्पायरमेंट टेस्ट होगा। फिर उसके बाद क्या आ सकता है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा मेथड, मेथड वो भी एसेट वाइज, समझ गए ओके। अब उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल डिस्क्लोजर में तो और क्या आ सकता है बेटा, कैरिंग अमाउंट है ना, एक्यूमुलेटेड हम करेंगे कैरिंग अमाउंट क्या करेंगे एक्यूमुलेटेड करेंगे अमोर्टाइजेशन कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड, कैरिंग अमाउंट क्या करेंगे बेटा एक्यूमुलेटेड करेंगे कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड, अमोर्टाइजेशन मेथड एसेट वाइज लगाएंगे फिर कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड क्या करेंगे बोलो बेटा, कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एट द बिगिनिंग एट द एट द एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर, हर साल के बिगिनिंग और एंडिंग में कैरिंग अमाउंट का एक्यूमुलेशन हम दिखाएंगे। फिर और क्या दिखाएंगे बेटा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक और है, एक दो और है ठीक है। तो क्या है रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट, क्या करेंगे रिवैल्यूड रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट विथ किसके विथ रिकंसलेशन विथ रिकंसी एल आई ए टी एन रिकंसलेशन है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, किसके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये डिस्क्लोज करेंगे। इसके साथ और क्या लास्ट में एक दिखाएंगे, वो रिसर्च वगैरह था ना कुछ आया था, हाँ रिसर्च क्या दिखाएंगे एक्सपेंस, क्या कर रहे हैं हम राइट ऑफ कर रहे हैं वो दिखाएंगे। और उसके बाद में आता है बेटा जनरल के बाद स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है ना, जिसे हम बोलते हैं अदर डिस्क्लोजर, अदर डिस्क्लोजर के अंदर क्या आ जाएगा मैनेजमेंट की कुछ मर्जी होगी डिस्क्लोज करने की तो वो डिस्क्लोज कर देंगे है ना। इफ मैनेजमेंट वॉन्ट्स है ना वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज एनी अदर इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं एनी अदर
इंफॉर्मेशन है ना, वो कहां डिस्क्लोज कर सकता है, अदर डिस्क्लोजर में। इसी के साथ हमारा इंटेंजिबल एसेट जो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, वो कौन सा था 38, वो अभी खत्म हो